T24, मैं अभी वार्ड नंबर 20 में आया हूँ। यहाँ के वर्तमान पार्षद विनोद कुमार जी विगत 4 टर्म से पार्षद पद पर बने हुए हैं और जनता के बीच में काफ़ी मशहूर है, काफ़ी काम किए हैं। आइए हम जानते हैं कि विगत 4 टर्म से क्या क्या काम किए हैं, बोला जा सकता है। विगत 3 टर्म तो मैं था, चौथा टर्म में महिला सीट हो जाने का कारण हमारी पत्नी थी जिनका देहांत लगभग अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, उनका देहांत हो चुका है। क्योंकि महिला सीट थी इसलिए उन्होंने चुनाव जीते। और काम की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र में घूम के भ्रमण करके देख ले कि शिलापट किनका लगा हुआ है, नंबर एक। दूसरी बात, मैं सुबह 6 बजे अपने वार्ड का भ्रमण करता हूँ लगातार 5 साल, चाहे जारा हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैंने कुछ भी हो, और जनता की हरेक समस्या का समाधान मैं 10 से 11 बजे दिन तक करता हूँ। उसके बाद मैं स्नान करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, ये सब चीज जनता खुद बताएगी आपको वो कितना मेहनत करते हैं। बाकी प्रत्याशी की मैं बात नहीं करूँगा, उनको होता है कि चुनाव के वक्त में आए, जनता वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। जनता काम कौन किया है, जो मेहनत किया है, जो मजदूरी किया है, मेहनत करने वाले को ही मजदूरी मिलता है। वो ऐसे जनता के सामने कह दें कि आप हमको वोट दीजिए, जातिवाद फैला दें, पार्टीवाद फैला दें, उससे जनता सब समझती है, सब जानती है। सर, तो जनता जनार्दन से इस चुनाव में क्या उम्मीद कर रहे हैं? जनता जनार्दन हमारे सर्वोपरि है भाई, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। वो अपना बुद्धि और विवेक से अपना निर्णय लें और अपना जनप्रतिनिधि, अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, हमारी राय है। इस तरह आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 20 के वार्ड पार्षद विनोद कुमार जी का कहना है कि विगत 4 टर्म से मैंने जनता के हर सुख दुख में साथ रहा, हर काम को पूरा करने का काम किया है और जनता से एक बार पुनः भारी से भारी मतों से विजय दिलाने के लिए अपील कर रहे हैं। खबरों के साथ बने रहे भारत 24।